नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि कोरोना से दिल्ली में मचा हाहाकार। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड हो रहे हैं खत्म। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, यहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लग रहा था कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन रेमडेसिविर आदि की कमी देखने को मिल रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में भी बेड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसकी कमी होने नहीं दी जाएगी और दो चार दिनों के अंदर बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2500 बेड्स हैं और इतने ही और बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। केजरीवाल ने बताया कि बैंक्वेट हॉल को जोड़कर 2100 ऑक्सीजन बेड्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह दो चार दिनों में 6000 बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या सीमित है, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ही एकलौती ऐसी जगह थी जहां 24 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट आ जाता था, लेकिन अब इसमें 2 से 3 दिन लग रहे हैं। कारण के बारे में बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि लैब द्वारा ज्यादा सैंपल एकत्र कर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी क्षमता से ज्यादा सैंपल लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 24,000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर 24% से ज्यादा हो गई, स्थिति काफी गंभीर है। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि बंगाल चुनाव में व्यस्त पीएम मोदी के बाद उद्धव सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा महाराष्ट्र भ्रष्ट सरकार से पीड़ित। बता दें कि देश की इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र भी कोरोना वायरस के मामलों में एक भयावह मंजर से जूझ रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की कोशिश की। एक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ एक फोन कॉल किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि पीएम मोदी बंगाल चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए हैं। इधर सत्तारूढ़ भाजपा ने ठाकरे और उसकी सरकार पर निम्न स्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि देखकर दुख हुआ कि ऑक्सीजन पर नौटंकी हो रही है, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए भारत सरकार अधिकतम ऑक्सीजन उत्पादन सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में हम 110% ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का उत्पादन कर रहे हैं और औद्योगिक उपयोग से लेकर चिकित्सा उपयोग तक सभी उपलब्ध ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र एक अयोग्य और भ्रष्ट सरकार से पीड़ित है और केंद्र सरकार लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। गोयल ने बताया कि भारत में महाराष्ट्र को अब तक सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिली है। आपको बता दें कि राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच इस तरह के वाद विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू होने के बाद साप्ताहिक बाजारों को लेकर चल रही है तैयारी, फॉलो करने होंगे ये नियम। बता दें कि केजरीवाल सरकार के पहले नाइट कर्फ्यू और फिर वीकेंड कर्फ्यू के फैसले के बाद तीनों नगर निगमों ने अपनी कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीनों निगम के द्वारा वीकली बाजारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसके तहत एक जोन में केवल एक मार्केट को ही लगने की अनुमति होगी। दक्षिणी निगम ने ऐसी 11 से अधिक मार्केटों को मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों में अलग अलग जोन आते हैं। सबसे अधिक 6 जोन उत्तरी निगम में शामिल है, वहीं दक्षिणी निगम में 4 व पूर्वी निगम में 2 जोन आते हैं। पूर्वी निगम के महापौर निर्मल जैन ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के साथ साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी जाएगी, जिससे कोरोना के संक्रमण फैलने से रोका जा सके। बता दें कि साप्ताहिक बाजारों में हर स्टॉल की चौड़ाई व लंबाई 6 व 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक स्टॉल पर मालिक व एक हेल्पर की अनुमति होगी। वहीं बता दें कि साप्ताहिक बाजारों में अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने घरों कपड़े का थैला लाने के लिए कहा गया है। साप्ताहिक बाजारों में एक स्टॉल पर एक समय में केवल 2 ग्राहक ही मौजूद रह सकते हैं और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साप्ताहिक बाजारों को केवल 6 घंटे खुलने का समय दिया गया है। इसके तहत शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकानदार बाजार लगा सकते हैं। इस दौरान उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और स्टॉल पर सैनिटाइजर रखना होगा।
तो अगली बड़ी खबर हरिद्वार से निकल के आ रही। बता दें कि हरिद्वार कुंभ में बढ़ रहा है कोरोना का साया। आज 175 साधु निकले पॉजिटिव। बता दें कि एक तरफ पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ हरिद्वार में जारी कुंभ मेले पर भी अब वायरस ने शिकंजा और तेज कसना शुरू कर दिया है। जहां कुंभ मेले के दौरान ही निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना से निधन हो गया था, वहीं शनिवार को सामने आई रिपोर्ट ने चिंता की लकीरों को और बढ़ा दिया है। हरिद्वार में कुंभ के बीच कोरोना संक्रमित साधु संतों का ग्राफ अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक आज कुंभ मेले में भाग लेने वाले 175 साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 229 साधु कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देखभाल और इलाज के लिए मेडिकल टीमों को तैनात किया गया। इसके अलावा साधुओं के आरटीपीसीआर टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके झा के मुताबिक 17 अप्रैल यानी आज से प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। तो हरिद्वार कुंभ मेले से आ रही इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जिसमें मुंबई मेयर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले से लौटने वाले लोग कोरोना को प्रसाद के रूप में बांटेंगे। बता दें कि पूरा देश इस वक्त भयानक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। हालात यह है कि रोजाना 2 लाख से ऊपर नए केस दर्ज हो रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस घातक वायरस से दम तोड़ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर हरिद्वार में जारी महाकुंभ को प्रतीकात्मक ही रखे जाने की अपील की है। हरिद्वार में जारी कुंभ में कोरोना संक्रमण के बढ़ने से मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर अब मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को चेताया है। लेकिन यही जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का, 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसीलिए पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। लेकिन अभी बंद होने से हम बच नहीं सकते। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। मुंबई में भी हम यही सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स उनको विलगी करने के लिए ले रहे हैं। हर एक एसटी डेपो, हर एक जिधर जिधर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देख के समझ में आएंगे किधर से आए, तो उनको क्वारंटाइन करना है। कहीं ना कहीं डर नहीं, डर ही है। ये लोग अभी भक्ति मार्ग है, भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन अभी का टाइम शक्ति का है। अंदरूनी शक्ति खुद की बढ़ाओ, घर में बैठो, मास्क लगा दो, हाथ धो, भीड़ में मत जाओ, यही तो शक्ति है। कितने लोग आएंगे, सबको क्वारंटाइन किया करना पड़ेगा, जो ट्रेस होगा वो बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, यही अपनी देश सेवा होगी। आपको बता दें कि कुंभ मेले से 5 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोरोना महामारी के बीच मुंबई के मेयर का इस तरह का बयान देना कितना उचित है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही। बता दें कि यूपी में स्थापित किए जाएंगे 10 नए ऑक्सीजन प्लांट, सभी जिलों में बढ़ाई जाएगी कोविड हॉस्पिटल की संख्या। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के ग्राफ उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठकर कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित करने के लिए 10 नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में नया कोविड-19 अस्पताल तैयार किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जनरल ओपीडी बंद रहेगी। इसके अलावा सीएम ने आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 16 मई तक स्थगित कर दिया गया है। सीएम ने निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएगा। सभी अस्पतालों में अगले 36 घंटों के लिए निर्बाध गति से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अति शीघ्र 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य में डीआरडीओ का सहयोग मिला है। स्वास्थ्य मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इस पूरी कार्रवाई पर सीधे नजर रखेंगे। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही। बता दें कि लीक ऑडियो टेप पर बोली ममता बनर्जी, मेरा फोन हो रहा है टैप, करवाऊंगी सीआईडी जांच। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5वें चरण के लिए मतदान हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया।
जिसमें ममता बनर्जी कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में बात कर रही हैं। इसके तुरंत बाद बीजेपी मामले को शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची, साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी को कूच बिहार हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की। अब इस मामले में सीएम ममता ने पलटवार किया है, साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, जिस वजह से वो इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश देंगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हमारी रोजमर्रा की बातचीत पर भी चुटकी ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे खाना पकाने और अन्य घरेलू कामों पर हमारे फोन कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीआईडी जांच में पता चलेगा इसके पीछे किसका हाथ था और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्रीय बल कुछ एजेंटों के साथ इस तरह की हरकत में शामिल है। हालांकि सीएम से पहले ही उनकी पार्टी ने इस बारे में सफाई दे दी थी। टीएमसी के मुताबिक ये ऑडियो ममता बनर्जी की नहीं है, इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में ममता बनर्जी शीतल कुछ टीएमसी उम्मीदवार पार्थो प्रीतम रॉय से बात कर रही है। कॉल पर पार्थो से ममता ने कहा कि तुम शांत होकर वोट करो, मैं इस पर विचार करूंगी, मैं सभी सीआरपीएफ वालों को गिरफ्तार करवा दूंगी, अभी सभी के शवों को रखो, कल मैं वहां आकर शवों के साथ रैली करूंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी पार्थो को सीआरपीएफ जवानों पर एफआईआर दर्ज करवाने और एसपीआईजी को फंसाने की बात कह रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अडानी ग्रुप को नोएडा में योगी सरकार ने जमीन की आवंटित, जाने क्या है प्लान। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना संकट के काल में भी औद्योगिक विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने में लगी है। औद्योगिक नगरी नोएडा में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड सहित 13 निवेशकों को लगभग 19,98,048 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन की संतुति प्रदान की गई है। इससे नोएडा क्षेत्र में 3,870 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और लगभग 48,512 लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। ये जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ में दी। सतीश महाना की विश्व की अग्रणी कंपनी अडानी ग्रुप को नोएडा क्षेत्र में 39,146 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया है। अडानी ग्रुप द्वारा इस भूमि पर 2500 करोड़ रुपए के लागत से डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, साथ साथ प्रत्यक्ष रूप में 1160 और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के इलाज में सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में हुई भारी कटौती। बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना के इलाज में सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में हुई भारी कटौती कर दी है। सरकार ने यह निर्णय रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के संदर्भ में लिया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख निर्माताओं रेमडेसिविर इंजेक्शन के मार्केटर्स ने स्वेच्छा से अधिकतम खुदरा मूल्य को कम कर दिया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही, बता दें कि दोनों टीके लगवा चुके स्वामी श्याम देवाचार्य की कोरोना से मौत, कुंभ मेले से लौटे थे जबलपुर। बता दें कि कोरोना के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अस्पताल में बेड कम पड़ते जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को अस्पतालों में बदला जा रहा है, कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग भी कोरोना से संक्रमित होने से नहीं बच पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नरसिंहपुर मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज की कोरोना के कारण मौत हो गई, जबकि वे कोरोना के दोनों डोज लगवा चुके थे। वे हाल ही में हरिद्वार के कुंभ मेलों में स्नान करके जबलपुर लौटे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि आपके मंगलकारी विचार और पुण्य प्रयास सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मेले में भाग लेने 24 संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन के हवाले से आ रही है। बता दें कि राकेश टिकैत बोले, कोरोना से भी लड़ेंगे लेकिन बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कोविड-19 के चलते सरकार ने किसानों के कई बार आग्रह किया कि कोविड प्रदर्शनकारी अपने घरों को वापस लौट जाए, लेकिन किसान किसी भी स्थिति में आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो कोरोना से भी लड़ेंगे लेकिन बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले वर्ष नवंबर के अंतिम सप्ताह से किसान आंदोलन जारी है।
कि करीब 150 दिन बाद भी किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का विकराल रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। किसानों में कोरोना के फैलते खौफ को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भले ही कोविड अपने पैर पसार रहा हो, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कई महीनों से धरने पर बैठे किसान कोरोना से भी उसी तरह से लड़ेंगे। हम हर हाल में धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि कोरोना प्रसार पर काबू पाने के लिए जिस तरह सरकार ने गाइडलाइन जारी किए, उसका पालन यहां भी किया जा रहा है। पहली खेप में 7,000 मास्क मंगाए गए हैं, जिन्हें यहां सभी किसानों को वितरित किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच किसानों का आंदोलन जारी रहना क्या उचित कदम है? राकेश टिकैत की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में आपके लिए एक बड़े काम की खबर निकल के आ रही है। बता दें कि घर बैठे आएगा अब राशन कार्ड। सरकार ने लॉन्च किया है ये खास ऐप। बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। राशन लेने के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही आपको राशन मिल जाएगा। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफायती दाम पर अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। महामारी की दूसरी लहर फैल रही है, ऐसे में घर से बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन राशन के लिए घर से निकलना मजबूरी है और राशन की लाइनों में खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी सहूलियत दी है। भीड़ और लंबी कतारों के चलते कई बार राशन लेने में दिक्कत होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से राशन का ऑर्डर दे सकते हैं, इसके जरिए ही राशन बुक कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप सरकार की ओर से शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की पहला पहल का हिस्सा है। मेरा राशन ऐप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप को ओपन करके इसमें अपने राशन कार्ड की डिटेल भरिए। ऐसा करते हुए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप ऐप से राशन मंगवा सकते हैं। तो सरकार के इस पहल से आम लोगों को काफी सहायता मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभिनेता सोनू सूद हुए कोरोना पॉजिटिव। फैंस बोले, जल्दी ठीक हो जाओ, देश को आपकी जरूरत। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने गरीब, असहाय और प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा मदद की, वो है सोनू सूद। लेकिन अब सोनू सूद को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, क्योंकि सोनू सूद का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव, दिमाग और जज्बा सुपर पॉजिटिव। सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सुरक्षा के तौर पर मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और अपनी पूरी देखभाल कर रहा हूं, लेकिन आप चिंता ना करें, ये मुझे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त समय देता है। मैं हमेशा आप सभी के लिए हूं। वहीं सोनू सूद के फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांगी है। उनके एक चाहने वाले ने लिखा, आप जल्द ठीक हो जाएं, आप वास्तव में वो काम कर रहे हैं तो दिखाता है कि अभी इंसानियत जिंदा है। आपके साथ हमारी दुआएं, आप ख्याल रखिएगा, देश को आपकी जरूरत है। तो क्या आप भी सोनू सूद के फैन है? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।